आज एक नई जिंदगी में आगरा के सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की देखेंगे एक झलक, मिलेंगे एक ऐसे लड़के के साथ जिसने अपनी बुरी आदतों के चंगुल से पाई आजादी, देखेंगे सीबीएन फाउंडेशन कैसे बच्चों के जीवन को बेहतर बना रहा है, करेंगे आपके लिए प्रार्थना और सुनेंगे एक गीत। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड्स। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इस प्रोग्राम में जिसका नाम है एक नई जिंदगी, और उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम के द्वारा आपके जीवन में आशा और उम्मीद की नई किरण जरूर आएगी। आज सोमवार है और सोमवार के दिन हम आपको ले चलते हैं एक ऐतिहासिक चर्च की सैर पर। आज इसी सिलसिले में हम आपको ले चलेंगे आगरा। आगरा वैसे तो बहुत मशहूर है अपनी बिल्डिंग्स के लिए, पर उसमें ताजमहल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन एक और बिल्डिंग है जो 1888 में जिसका निर्माण हुआ था, और वो है सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च। यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो जानकर आपको बेहद खुशी होगी। आइए चलते हैं इस चर्च की सैर पर, और इस सैर को और जानकारी को आप तक लेकर आ रही हैं हमारी प्रोड्यूसर नेहा शाह। आगरा की ऐतिहासिक इमारतें विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पुरानी कलीसियाओं के बारे में चर्चा कम होती है, परंतु इनकी खूबसूरती किसी से कम नहीं है। आज हम आपको सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च ले चलते हैं, जिसकी सुंदरता और इतिहास काफी अनोखे हैं। सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च इसलिए बोला जाता है क्योंकि आगरा में और भी मेथोडिस्ट चर्च हैं। सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च जो है एक मिशनरी के द्वारा स्थापित किया गया, जिसका नाम सारा होलमैन था। सारा होलमैन और उनके अन्य लोग जब यहाँ इस स्थान पर आए तो उन्होंने सबसे पहले इस कैंपस में एक स्कूल का निर्माण किया। सारा होलमैन ने सिर्फ विद्यालय के पढ़ाने का काम किया, लेकिन जो बच्चे पढ़ते थे और जो पेरेंट्स मोहल्ले वर्क में संगति में इन मिशनरियों के आते थे, और उन सब विश्वासी लोगों के लिए एक चर्च के निर्माण की बात सामने आकर खड़ी हुई, और तब 1888 में इस चर्च बिल्डिंग का निर्माण किया गया। लोगों की जरूरतों को देखकर इस चर्च का निर्माण हुआ, और उनकी सुविधा के अनुसार यहाँ पर प्रार्थना सभा भी होने लगी। तो वो जो विश्वासी यहाँ पर आते थे उनकी आराधना शाम के समय इस स्थान पर हुआ करती थी। इस कलीसिया की इमारत में कुछ बदलाव आए तो कुछ वैसे के वैसे ही हैं, पर जैसे भी बदलाव आए वो इसलिए आए ताकि इसकी खूबसूरती के साथ साथ मजबूती का भी ध्यान दिया जाए। इसकी विंडोज उसी समय की बनी हुई हैं, सारे फ्रेम्स जिनमें दरवाजे खिड़कियां कसी गई हैं ये सब स्टोन की बने हुए फ्रेम्स हैं। वो ओल्ड पैटर्न था, ओल्ड पैटर्न ही इसका अभी तक मेंटेन है। इस चर्च का जो रेनोवेशन हुआ है तो उस रेनोवेशन में किसी भी प्रकार से हमने इसके स्ट्रक्चर के डिज़ाइन को नहीं छेड़ा, बल्कि जो जैसा है वैसा ही है। क्योंकि 135 ईयर्स ओल्ड चर्च को आप छेड़ोगे तो सारी बिल्डिंग टूटेगी, इसलिए बहुत सारे इंजीनियर से कंसल्टेशन के बाद उन्होंने यही समझाया कि आप इसकी रीप्लास्टरिंग करें अंदर बाहर से, तो अंदर बाहर से इसकी रीप्लास्टरिंग कर दी गई है। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे भी आए जिनकी कलीसिया को जरूरत थी। पुरानी बेंचेस थी, वो बेंचेस को हटाकर इन नई बेंचों का निर्माण किया गया। ये बेंचेस 1960 में बनाई गई ताकि बहुत सारे लोग अकोमोडेट हो सकें, आ सकें, बैठ सकें। बाकी जो काम और किया गया है, उस साउंड सिस्टम का काम किया गया है इसमें नया, बच्चों के ये ड्रम सेट हैं, म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सब नए ज़माने के लोगों के बच्चों ने अपने इसमें ऐड किए हैं। और योजना ये भी है कि इसमें और बालकनी बनाई जाए या इसको पीछे दीवार को हटा कर इसको बढ़ाया जाए ताकि और लोग इसमें अकोमोडेट कर सकें। उम्मीद करते हैं कि इस चर्च की सैर और इसके साथ जुड़ी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्रोग्राम में अब आगे हम आपको मिलाने जा रहे हैं दिग्विजय से। दिग्विजय एक साइकिल की दुकान में काम करते थे और वहां से उन्हें बुरी आदतें लग गई। कैसे और कब वो इन बुरी आदतों के चंगुल में फंसते चले गए वो बताना मुश्किल है, लेकिन क्या वो इन बुरी आदतों के चंगुल से बाहर निकल सकते थे? तो आइए दिग्विजय की कहानी को देखते हैं कि किस तरह उनकी जिंदगी में परिवर्तन आता है। ये कहानी आप तक लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर टीवी मैथ्यू जेम्स। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो मैं जानता हूं कि ये कहानी आपकी जिंदगी में प्रोत्साहन लेकर आएंगी। आइए देखें।
दिग्विजय मन्ना साइकिल की दुकान में मजदूर का काम करता था। कम उम्र से ही उसका भाई और वो सिगरेट और शराब पीने लग गए थे। बड़ा होते होते दिग्विजय इन आदतों में और डूबता गया और जल्द ही उसके पड़ोस की एक लड़की से उसके संबंध बन गए। मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया और मैं उस पर पैसे खर्च करने लगा। मैं उससे मोहित हो गया। ये होने के बाद मैंने उससे विवाह करना चाहा। जब मैंने अपनी इच्छा अपने माता पिता और बुजुर्गों पर प्रकट की तो वे बोले कि हमारा समाज तुम्हारा रिश्ता मंजूर नहीं करेगा, इसके कारण कई और समस्याएं और झगड़े होंगे। मुझे मेरे घर वालों ने बहुत समझाया और मैं उनके दबाव में आ गया। दिग्विजय ने अपने परिवार के दबाव में उस लड़की से विवाह किया जिसे उसके माता पिता ने उसके लिए चुना था। मेरी इच्छा के बिना उन्होंने मेरा विवाह दूसरी लड़की से करवा दिया, जिससे मैं बड़ा दुखी हुआ। मैं किसी और से प्रीति रखता था और मैं अपनी प्रेमिका को खो बैठा। मैं दुखी रहता और इस दुख को भुलाने में और ज्यादा शराब और सिगरेट का सेवन करने लगा। दिन प्रतिदिन मेरी हालत बिगड़ती गई। इस व्यसन के कारण मेरे परिवार में कई समस्याएं और झगड़े खड़े हो गए। दिग्विजय के व्यसन बढ़ने के कारण उसकी नौकरी छूट गई और इसी समय के दौरान जब वो अपने एक मित्र से मिला तो उसने उसे एक पत्री पढ़ने को दी। इस पत्री का शीर्षक था द हैंड्स ऑफ लव, प्रेम करने वाले हाथ। इसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें प्रभु यीशु और उनके प्रेम के बारे में लिखा था। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि प्रभु यीशु मसीह वो थे जो मेरे लिए मरे। ये जानने के बाद मैं अपने मित्र के साथ चर्च जाने लगा। एक रविवार को प्रवक्ता का पाप पर दिया प्रवचन दिग्विजय के मन को छू गया। उसने कहा कि एक पुरुष की एक ही पत्नी होनी चाहिए। यदि जब कोई किसी दूसरे को लालसा या किसी बुरी इच्छा से देखता है तब वो स्त्री या पुरुष पाप करता है। तब मुझे अपने पाप का एहसास हुआ कि मैं व्यसन में व्यभिचार में पड़ा हुआ हूँ। मैं झूठ बोलता था और इस उपदेश से मुझे समझ आई कि मैं एक बड़ा पापी हूँ। मुझे पाप की सजा का एहसास हुआ। मैं रो रो कर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे बदल दो, मुझे पापों से छुड़ा लो, मुझे नया बना दो। मैंने इस प्रकार रोकर प्रार्थना की और जब मैंने अपने सारे पापों का अंगीकार किया, परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र लहू से मेरे सारे पापों को धो डाला। अब मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। ये आश्वासन पाकर कि उसके पाप क्षमा हो गए, दिग्विजय प्रार्थना और बाइबल का अध्ययन करके प्रभु के निकट होता चला गया। प्रभु को ग्रहण करने के बाद कई लोगों ने मुझसे कहा कि सभी को उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। तब मेरी पत्नी और मैंने मिलकर प्रभु की दुहाई दी। हे प्रभु, मैं अपने परिवार की देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने नौकरी के लिए प्रार्थना की और प्रभु के अनुग्रह से मुझे नौकरी मिल गई। आज दिग्विजय मन्ना हल्दिया में कोलकाता बंदरगाह का कर्मचारी है। वो अपनी पत्नी सोमाली और दो बेटों सहित खुश है और यीशु मसीह का एक जीवित साक्षी है। जब मैंने प्रभु को जाना तब से मेरी सारी बुराइयां जैसे गुस्सा, घृणा और लोभ चली गईं। अब हम अपने दोनों बेटों सहित बहुत सुखी हैं और इसी कारण मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको बदल सकता है। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में परेशानियां आती हैं, कई बार हम पाप में फंस जाते हैं, लेकिन एक परमेश्वर है जो हमें बदल सकता है। यीशु मसीह एक कहानी बताते हैं दो बेटों के बारे में, और उनमें से जो छोटा लड़का है वो अपनी मनमानी करना चाहता है। वो अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है कि मेरी संपत्ति का मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं अपने रास्ते पर जाना चाहता हूँ। पिताजी उसे जाने देते हैं। जब ये लड़का दूर चला जाता है तो वो बुरी आदतों में फंस जाता है, बुरी संगति में फंस जाता है और उसका सारा पैसा वो अय्याशी में लुटा देता है। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। फिर उसे एहसास होता है, वो सोचता है कि मैंने अपने पिता के खिलाफ गलत किया है। लेकिन उतना ही नहीं, उसके अंदर एक बहुत ही गहरा एहसास ये होता है कि उसने परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप किया है। जब वो एहसास उसके अंदर आता है तो वो मुड़ता है और वो अपने पिता के पास जाता है। दोस्तों, जब हमारे अंदर पाप का एहसास होता है तब हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होता है।
और जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और हम मांगते हैं परमेश्वर से कि वो हमें क्षमा करे, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ देता है। आइए इस वचन को हम देखें। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। ये वचन कह रहा है कि जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, पुरानी बातें बीत जाती हैं, हमारा पाप मिट जाता है, हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। ये वचन कहता है हम नई सृष्टि बन जाते हैं। दोस्तों, परमेश्वर आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। उसके पास आइए, मन फिराव कीजिए, यीशु में विश्वास कीजिए। अगर आपके जीवन में भी बदलाव की कोई ऐसी कहानी है जो दूसरों को प्रेरित कर सकती है, तो हम चाहेंगे कि आप अपने अनुभव को, अपनी गवाही को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आज आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप बदलाव चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करें, तो इसी समय आप फ़ोन उठाएं। आपके स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम दूसरों को क्षमा करने में आपकी मदद करेंगे। हम आपको लत के चंगुल से निकलने में सहायता करेंगे। हम आपके वैवाहिक जीवन को बहाल करने में मदद करेंगे। हम आपकी सहायता बीमारियों से जूझने में करेंगे। हम आपको स्वीकार्यता दिलाने में भी मदद करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमें 0124-4286-777 पर कॉल करें या 9910401010 पर SMS करें। प्रोग्राम में अब समय आ गया है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, हम मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस बिजी लाइफ में हमारे और आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है अपने लिए वक्त निकालना। कभी कभी इस दौरान हम अपने फेवरेट टीवी शो को भी मिस कर देते हैं। अगर आपने अपने फेवरेट टीवी शो एक नई जिंदगी को कभी मिस कर दिया हो तो आप उसे देख सकते हैं। CBN फाउंडेशन के YouTube चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने वक्त पर अपने फेवरेट शो का मजा लीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे ऐसे बच्चों की कहानी जिनके जीवन में CBN फाउंडेशन की मदद के साथ बदलाव आ रहा है। इन बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है, अच्छी पढ़ाई का अवसर दिया जाता है और उन्हें एक सक्षम जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता है। आइए देखते हैं इन सब कार्यों की एक झलक। अपने लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए कुछ किया तो क्या किया। मुझे बल दिया, मुझे दिशा दी, मुझे हौसला दिया। जिंदगी की तेज रफ्तार में कहीं मैं पिछड़ ना जाऊं, गिर के बिखर ना जाऊं। मुझे समेटा, मुझे संजोया, अपने सपनों को जीने का मौका दिया। मकसद कई हैं अपनाने को, पर क्या आपने इनका साथ देकर खुद को आशीषित किया? केवल 2500 रुपए की अनुदान राशि देकर CBN फाउंडेशन के सहभागी बने और पाइए मौका इन नन्हे जिंदगियों को बदलने का। अभी हमने देखा कैसे CBN फाउंडेशन की मदद के साथ इन बच्चों का भविष्य बेहतर हो रहा है। आप हमारे इन कामों को सराहते हैं और आपके मैसेजेस भी हमें यही बताते हैं। आइए देखते हैं कि आज के मैसेजेस किस किसने भेजे हैं। हम शांति बासुमता का मैसेज पढ़ने जा रहे हैं, जो लिखती हैं कि उन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है।
जो गवाहियां दिखाई जाती हैं उनसे वो प्रेरणा पाती हैं, और जो कार्य हम बेसहारा लोगों की मदद के लिए करते हैं उससे उन्हें ये प्रेरणा मिलती है कि वो भी किसी की मदद के लिए आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद उस मैसेज के लिए। दूसरा मैसेज आया है थ्विंगम लिली का, और वो लिखती हैं कि प्रार्थना और संगीत उन्हें बेहद पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद इस इनकरेजमेंट के लिए। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रोत्साहन पा रहे हैं और हमें भी आप इनकरेज कर रहे हैं। थैंक यू। आप अगर हमारे इन कार्यों के बारे में और जानकारी को हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को पढ़ सकते हैं जो कि आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी में अवेलेबल है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.cbn.in पर जाकर। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने योगदान को हम तक पहुंचा सकते हैं, किसी बेसहारा के जीवन को सहारा दे सकते हैं। ये रही आपके लिए हमारे पते की जानकारी। CBN फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, ब्लॉक सी, सुशांत लोक एक, गुड़गांव, दिल्ली NCR, 122009। ऑनलाइन डोनेशंस www.cbn.in। दोस्तों अब समय एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपके प्रार्थना निवेदन को पढ़ेंगे और आपके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। आदि भी तू, अनादि भी तू, वचन भी तू, परमेश्वर भी तू, मैं क्या हूं, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ सांसें तेरी। सोचता हूं कैसे हो महिमा तेरी, फिर उठाता हूं कलम नाम तेरा लेकर, ए मसीहा, और अंत में निकलते हैं मेरे जहन से पन्ने विवेक के। को मौका दो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं प्रार्थना को मौका दो सेगमेंट में। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम करेंगे आपके लिए प्रार्थना। आइए देखते हैं कि आज की प्रार्थना निवेदन किस किसने भेजे हैं। हम अक्षय पेगो का मैसेज पढ़ रहे हैं जो लिखते हैं कि वो अपना जीवन डर में व्यतीत कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें शराब पीने की बुरी आदत है। वो चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें ताकि वो इस बुरी आदत में से बाहर निकल सकें। हम अक्षय आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। दूसरा मैसेज आया है प्रवीण कुमार का, और वो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, वो नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं। हम प्रवीण आपके लिए भी इस समय प्रार्थना करेंगे। आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप बुरी आदतों में फंसे हुए हैं या बुराई के मार्ग पर आप चले गए हैं और आप बदलना चाहते हैं, तो आप इस समय हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। जैसे आज हमने कहा है, पाप का एहसास ही शुरुआत है। आपको अपने पाप का एहसास है तो आप यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको क्षमा करे और आपको सामर्थ्य दे ताकि आप पाप को ना कह सकें और परमेश्वर को हाँ। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू प्रार्थनाओं का जवाब देता है। हम मांगते हैं जो नशे के साथ ये संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, हम मांगते हैं अक्षय के लिए कि तू उन्हें छुटकारा देगा। हम मांगते हैं प्रवीण के लिए प्रभु कि तू इसे भी छुटकारा देगा। हम मांगते हैं कि जो एहसास इनके अंदर है प्रभु, ये मन फिराव करेंगे, यीशु मसीह ये तुझ में विश्वास करेंगे, और इस समय मैं मांगता हूँ तू इन्हें सामर्थ देगा प्रभु कि वो पाप को ना कह सकें। सारे लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और पाप के साथ संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, हम मांगते हैं कि वो भी मुड़ेंगे प्रभु, मन फिराव करेंगे, अपनी बुराई को छोड़कर प्रभु वो तेरे पास आएंगे और जानेंगे कि तू उनके साथ है। धन्यवाद कि तू इन सब से बेहद प्यार करता है, तू इन्हें कभी नहीं ठुकराता प्रभु। भले वो जितनी पाप में फंसे हुए हैं प्रभु, बुरी आदतों में फंसे हैं, फिर भी तू उन्हें नहीं छोड़ता। तू हर एक से प्रेम करता है और तू चाहता है कि हर एक व्यक्ति तेरे करीब आए। आज मैं मांगता हूँ प्रभु कि ये सारे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं तेरे करीब आएंगे और तुझे जानेंगे और तेरे सामर्थ को जानेंगे। यीशु मसीह, हम तेरे नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन। दोस्तों, जो भी आपकी परिस्थिति है, सिर्फ परमेश्वर में आशा है।
परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है और परिस्थितियों को बदलने में बहुत मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ाता है। आइए देखते हैं कि आज का वचन हमें क्या बताता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अपने पापों से जब इंसान माफ़ी मांगता है तो परमेश्वर उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक और मौका देते हैं। आज इस प्रोग्राम में हमने सैर की और जानकारी हासिल की आगरा के एक बहुत ही मशहूर चर्च की। साथ ही हमने दिग्विजय के जीवन को भी देखा और जाना कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें एक नया मौका दिया अपनी बुरी आदतों से बाहर आके एक बेहतर जीवन जीने का। आपके जीवन को भी परमेश्वर बदल सकते हैं अगर आप अपने पापों को का अंगीकार करके परमेश्वर की शरण में आ जाएं। दोस्तों, कल मंगलवार है और जैसा कि आप जानते हैं, हर मंगलवार को हम आपको दिखाते हैं किस तरह CBN फाउंडेशन जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है और पार्टनर के साथ मुलाकात भी कराते हैं ताकि उनकी कहानी को सुनकर आप प्रेरणा पाएं। तो कल का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे इजाजत लेने का समय आ गया है। जाने से पहले आपके लिए लेकर आए हैं इस सुंदर गीत को, आप इसका आनंद लीजिए। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार दोस्तों, सी यू टुमारो। माफी मिलती नहीं यहाँ
जी।